हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सब के बीच। देखिए, आज हम मौलाना मजरूल हक अरबी कंपार्सन यूनिवर्सिटी जो पटना में है, अभी बीएड फर्स्ट ईयर का 19-21 सेशन वाले का एग्ज़ाम चल रहा है आपका फर्स्ट ईयर का, समझे। उनका एग्ज़ाम अब 31 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका कोर्स 5 आपका है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, समझे। तो उसका हम VVI क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिएगा, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप समझिए क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछ सकता है। देखिए, पेपर होता है वो टफ माना जाता है क्योंकि रिसर्च पेपर है, टफ होगा ही। और एक और चीज़ जानिए, इसके बाद हम आज ही आपका कोर्स 6 का भी गेस कर देंगे, समझे। देखिए, आपका लिखा हुआ है VVI क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर 2021 सेशन 19-21। देखिए, एक और चीज़ बताते हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन, देखिए बिहार यूनिवर्सिटी में 3 घंटा देता है। देखिए, आपके भी यूनिवर्सिटी में, मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन पर 3 घंटा लेकर आता, सुनते हैं, लेकिन 2 ही घंटा आप लोग को देता है। पता नहीं क्या है, तो अपना वो तो आप अथी का मैटर है। तो वही लिखा है कि मौलाना मजरूल हक अरबी एंड पारसी यूनिवर्सिटी पटना कोर्स 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, समझे। आइए यूनिट 1 में आते हैं। पेपर का नाम हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन। देखिए, इसमें यूनिट 1 में एकदम VVI आपका क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। देखिए, अध्ययन की विद्या दे या आपका दे अकाडेमिक अनुशासन दे या शैक्षिक अनुशासन दे या ज्ञान अनुशासन दे या विषय अनुशासन दे। देखिए, सबका मतलब होता है एकेडमिक अनुशासन या डिसिप्लिन, जो भी दे सबका आंसर एक ही होगा, समझे। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन पूछे घबराना नहीं है, समझे। इसका इंग्लिश देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा, समझे। तो वही है कि अध्ययन की विद्या या अकाडेमिक अनुशासन या शैक्षिक अनुशासन या ज्ञान अनुशासन या विषय अनुशासन, कोई भी दे, समझे, इसका मतलब समझिएगा एक ही है, समझे। तो क्वेश्चन वही रहेगा कि इसका वीडियो हम डाले हुए हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। आप एग्जाम में यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, 2 वीडियो होगा, देख लीजिएगा। दोनों प्लेलिस्ट में जाइएगा, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। विषय अनुशासन से आप क्या समझते हैं, इसके अवधारणा के ऐतिहासिक वर्णन करें, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एकेडमिक डिसिप्लिन, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। आइए अब दूसरा देखते हैं, शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को सोधारण व्याख्या कीजिए, यानी शिक्षा के जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसका सोधारण व्याख्या करना। और देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन आपका है कि संकाय एवं विषय में अंतर स्पष्ट। देखिए, संकाय मतलब होता है डिसिप्लिन, क्या होता है डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन क्या होता है, देखिए आप डिसिप्लिन का मतलब समझते होंगे कि हम लोग जो डिसिप्लिन में रहते हैं गलत काम नहीं करते। देखिए, डिसिप्लिन का मतलब होता है कोई आप सब्जेक्ट जो आप यूनिवर्सिटी स्तर पर विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ने लगेगा उसको डिसिप्लिन बोला जाता है, समझे। तो वही कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, हाउ डज ए सब्जेक्ट ग्रो टू डिसिप्लिन, यानी एक विषय कैसे संकाय में परिवर्तित हो जाता है, जैसे समझे। मैं एक विषय हिस्ट्री, देखिएगा आप जाइएगा जो PhD करते होंगे तो देखिएगा हिस्ट्री में ही एक जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हुआ ये सब पर अध्ययन करते होंगे, तो यही होता है आपका संकाय, इसी को डिसिप्लिन बोला जाता है। आइए यूनिट 2 में आपका बहुत VVI क्वेश्चन है कि विषय परंपरागतता या विषय आधिप्त, देखिए दोनों वही है। देखिए, जहाँ भी आपको मास्टरी ओवर सब्जेक्ट मिले मतलब समझिएगा वही क्वेश्चन है, समझे। तो विषय परंपरागतता या विषय आधिप्त का अभिप्राय एवं इसके महत्वपूर्ण लक्षणों की चर्चा किया है। यह क्वेश्चन आपका ऐसे भी रह सकता है कि किस प्रकार विषयों पर प्रकरण बनाना एक चरणबद्ध प्रक्रिया, स्पष्ट कीजिए कि विषय परंपरागतता का अभिप्राय उच्च स्तर की दस्ताव को बना है। और देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि विषय शोध में प्रदत्त संग्रह यानी डाटा कलेक्शन के विभिन्न विधियों का वर्णन करें। देखिए, इसका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, समझे। तो देख के जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, डाटा कलेक्शन का वीडियो मिल जाएगा। फिर आपका 6ठा क्वेश्चन है कि देखिए, संचार या संप्रेषण क्या है, किसी विषय के संप्रेषण के लिए प्रभावी तरीके का वर्णन करें। ये भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, समझे। आइए अब देखते हैं यूनिट 3 में। देखिए, यूनिट 3 में 2 क्वेश्चन तो हर साल आता है, एक अंतर अनुशासनिक अधिगम, एक अंतर अनुशासनिक विषय, समझिए। इसको थोड़ा घुमा कर भी पूछ देता है कि अंतर विषय विषय से आप क्या समझते हैं, अंतर विषय विषय के उद्देश्य। देखिए, विषय दे या आपका अनु सब्जेक्ट अति दे, तो वही अंतर अनुशासनिक बोले या अंतर विषय बोले बात बराबर है, समझे। तो अंतर अनुशासनिक या अंतर अनुशासनिक विषय से आप क्या समझते हैं, अंतर विषय विषय के उद्देश्य की व्याख्या करें। और दूसरा इसमें क्वेश्चन दिए हैं कि आप अंतर संकाय, देखिए अंतर संकाय का मतलब भी होता है अंतर अनुशासनिक, संकाय का मतलब क्या होता है अनुशासनिक, समझे। तो अंतर संकाय दे अंतर अनुशासनिक दे, समझे, बात बराबर है। इंग्लिश देख लीजिएगा, अंतर विषय विषय का इंग्लिश होता है इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग सब्जेक्ट, इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, और अंतर विषय अधिगम का होता है इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग, समझे। तो देख लीजिएगा, तो वही आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि आप अंतर संकाय अधिगम को कैसे आकलन कीजिएगा, समझे। तो इसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और 9वां आपका क्वेश्चन है कि शोध क्या है यानी रिसर्च क्या है
क्वेश्चन अथी शैक्षिक अनुसंधान दे, समझे, वही मतलब समझिएगा, समझे, परेशान नहीं हो गया कि वही चीज़ें। तो इतना क्वेश्चन देख लीजिएगा आप इसमें, तो कोर्स फाइव में मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी वाले, समझे। थैंक यू।